नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए कंपनी लॉ मतलब कंपनी अधिनियम का मॉडल पेपर 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहे हैं, तो ध्यान रखना यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। और भाई इसका नोट चाहिए तो नोट्स कहां मिलेगा आपके लिए, तो जो नोट्स है वो मिलेगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में छपे हुए देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बिल्कुल छपते हुए दिख रहा है एग्जाम में, आपको भी देखने को मिलने वाला है 2022 में जब आप एग्जाम दोगे। तो बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है भी ऐसा। यह हो जाता है कंपनी का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखो, इसके लक्षण क्या होते हैं, निजी कंपनी किसे कहते हैं और सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, तथा कंपनी का निर्माण कैसे होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कंपनी के प्रवर्तक किसे कहते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, और बताना है प्रविरण तथा उसके दोष क्या है। कंपनी प्रवर्तक तथा इसके दोष, कंपनी के प्रवर्तक था उसके कार्य, कंपनी निर्माता उसके उद्देश्य, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में छपा हुआ देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का हो जाता है पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम सामग्री तथा पार्षद अंतर नियम सामग्री क्या है, इनमें अंतर बताइए, इनकी परिभाषा लिखिएगा देखने को मिलेगा, तथा कंपनी के ऋण लेने के अधिकार तथा इसकी सीमा बता दो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमारा कौन सा रहने वाला है, क्वेश्चन हो जाता है संचालकों का अर्थ, संचालकों का अर्थ बताओ, संचालकों की संख्या को बताओ और संचालकों का सामान्य अधिकार क्या होता है, इसके बारे में खुलकर लिखो, क्वेश्चन ये भी देखने को मिलने वाला है। और बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है थ्योरी तो लिखना ही लिखना है, साथ में हाइडिंग जो होती है उन पर ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि जो कॉपी चेकर होता है वो हेडिंगों की ओर देखता है, आपकी थ्योरी तो कम पड़ेगा मगर हेडिंग ज्यादा देखेगा कि आपने हेडिंग कितनी डाली है, किस प्रकार से डाली, ठीक है, वो हेडिंग पर ज्यादा फोकस देना, एग्जाम में अच्छे प्रकार से हेडिंग लिखकर उसकी थ्योरी लिखना, ठीक है, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन बस यही पढ़ना है, अगर इतनी हेडिंग आप याद कर लोगे तो एग्जाम में खुलकर लिखने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का हो जाता है प्रबंध संचालक किसे कहते हैं, इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, इसका कार्यकाल क्या होता है, जो प्रबंधक संचालक होता है उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, उसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल क्या होता है और वह होता क्या है, उसकी परिभाषा बताओ, उसके बाद डिटेल में समझाओ, और वार्षिक साधारण सभा के से क्या आशय है, जो वार्षिक साधारण सभा होती है उससे क्या आशय है, ये यहां पर बताना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपते हुए देखने को मिलेगा आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छपा हुआ देखने को मिलने वाला है, कह रहा है बहुमत के नियम क्या होते हैं, बहुमत के नियम क्या होते हैं, इसके अपवाद क्या है, कंपनी के समान कंपनी के जो समापन होता है, कंपनी का समापन होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विधियां क्या है, इन्हें फटाफट आपको हेडिंग डालकर लिखना है और खुलकर लिखना है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, कंपनी के सम्मेलन, जो कंपनी का सम्मेलन होता है इसके बारे में देखना है, कंपनी का सम्मेलन क्या होता है और सम्मेलन के आवरण त्याग सिद्धांत जो है उसके बारे में बता दो, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का कौन सा रहने वाला है, जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो बात करते हैं पार्षद सीमा नियम का महत्व, जो पार्षद सीमा नियम का महत्व होता है देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम छपा हुआ। बात करते हैं आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत आपको बताना है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है मॉडल पेपर का, मायावी विवरण क्या है, जो मायावी पर विवरण होता है वह क्या है और इसको बताना है, अंश का अर्थ क्या होता है, अंश अधिपत्र किसे कहते हैं, अंश की वापसी खरीद क्या होती है, भाई इसके बारे में हेडिंग डालकर खुल के लिख देना,
एक भी क्वेश्चन बचने नहीं वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संचालक मंडल की शक्तियों का क्षेत्र, जो संचालक मंडल होते हैं उनकी शक्तियों के क्षेत्र में आपको बताना है, उसका क्षेत्र बताना है, तथा सूक्ष्म के उद्देश्य भी आपको यहां पर बता देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है वो हो जाता है प्रताप प्रस्ताव। जो प्रस्ताव होता है उसे क्या कहते हैं, परिभाषित करो, इसके प्रकार लिख देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना। बात करते हैं शरण पत्र जो होता है, शरण पत्र होगा यहां पर, ठीक है, शरण पत्र जो होता है उसके बारे में बताना है। अंशधारी किसे कहते हैं, परिभाषित करो इसके बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्ताव के भेद, इसके प्रकार और शरण पत्र और अंशधारी के बारे में क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा और इस बार भी एग्जाम में छपा हुआ देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंशों के आवंटन किसे कहते हैं, अंशों का कैसा होता है इसको देखना है। पता पूर्वकालिक निदेशक जो होते हैं, पूर्वकालिक निदेशक तथा कौरम, इसके बारे में आपको बता देना है। टिप्पणी पूछेगा, टिप्पणी लिखो इन पर। आगे देखेगा निस्तारक जो होता है, कौरम निस्तारक, इसके बारे में और बोनस अंश किसे कहते हैं, इसके बारे में कंपनी की अंश पूंजी पर टिप्पणी लिखो। टिप्पणी देगा, टिप्पणी पूछेगा आपसे, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे प्रकार से और हेडिंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस देना। बात करते हैं अनियमित आवंटन जो होता है, बोनस अंश किसे कहते हैं, है ना, और अनियमित आवंटन क्या होता है इसको भी देखकर जाना है। ठीक है, और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंश हस्तांतरण, जो अंश हस्तांतरण होता है एवं अंश संचरण में आपको अंतर बताना है, परिभाषा लिखनी है या इसकी टिप्पणी लिखना है, कुछ भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो भाई इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, बस इतने ही क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। और क्या करना है भाई, क्या करना है, इन क्वेश्चनों की थ्योरी को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, हेडिंग तो छोड़ना ही नहीं है, हेडिंग तो 10 बार पढ़ना, थ्योरी एक बार पढ़ो तो ठीक है, क्योंकि हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। हेडिंग अच्छी लिखोगे नंबर अच्छे मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, हेडिंग पर ज्यादा फोकस देना। बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग इसके, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करते हैं। बिल्कुल देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। 2022 का ये मॉडल पेपर हो जाता है कंपनी लॉ का, पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। वीडियो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो बेल आइकन होता है उसे तोड़ फोड़ कर देना है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके घर जाके गिरे। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बस इतना ही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।